Very good morning, all of you. अंदर शर्मा स्टूडेंट्स, आज बौद्ध मीडियम की क्लास है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। देखिए, हिंदी मीडियम की क्लास आज इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से बीच में अटक गई थी, इसलिए दोनों के साथ है। मैंने लास्ट क्लास में दोनों क्लासों को और कुछ फैक्टर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का अवलोकन हम सुनने पड़े सीखे थे पैसे। तो देखिए, आप थोड़ा पैसे की सीखेंगे दोनों क्लासों के लिए, कॉमन ही हो जाएगा पैसे चीज। हाँ, अगर अपन बात करें यहाँ पे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले लिखे क्या a plus b का whole square इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। अगर बात करें अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस a प्लस बी a माइनस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ बात आती है नंबर चार, a क्यूब माइनस b क्यूब, वो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर अगला है a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस थ्री ए ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। नंबर अगला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3 a square b plus 3 ab square minus। देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं, बस यहाँ प्लस आता है या माइनस आता है। अब ये होल स्क्वायर पूरे की क्या है, स्क्वायर, ये भी पूरे की क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे इसके अलावा एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब, प्लस यहाँ प्लस आ गया माइनस आ गया, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये दोनों सही होते हैं। a प्लस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, तब तक पावर है तीन है, तीन पावर है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको ये वाला याद करना है। अब ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला ये है, बस साइन का फर्क है, a क्यूब a क्यूब 3 a स्क्वायर b 3 a स्क्वायर b 3 a b स्क्वायर 3 a b स्क्वायर b क्यूब b क्यूब। देखिए प्लस माइनस कैसे याद किया जाएगा, अगर आपके इसमें सारे प्लस में आ रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, दूसरा तरीका और है। जब भी b की पावर ओन आ रही है, यानी कि विषम संख्या आ रही है, जैसे b की पावर 1 हो, b की पावर 3 हो, ये ओड होती है, यानी कि विषम संख्या होती है, वन और थ्री ओड का मतलब विषम संख्या, तब तो नेगेटिव साइन आएगा। और जब बी का स्क्वायर हो, बी की पावर फोर हो, तब आएगा पॉजिटिव साइन, आगे कह रहा पॉजिटिव। अब यहाँ देखो बी आई गया तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे बी की पावर वन आ रहा तो नेगेटिव आएगा, या बी का स्क्वायर आया तो पॉजिटिव आएगा, बी की पावर थ्री नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई होगी,
तो ये ध्यान रखिए आप लोग, बी की जहां ओड पावर आती है, क्योंकि बी नेगेटिव है, बी क्या है नेगेटिव, बी की ओड पावर होगी दैट मींस बी की पावर विषम संख्या होगी, वहां वहां माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले थे। अब बात आती है कुछ चीजें हो रहे हैं। देखिए अगर मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा। लेकिन ये चीज साइन कन्वेंशन में भी काम में आएगी, जब हम फैक्टर करेंगे तब दिक्कत आएगी। ध्यान रखिए दो वैल्यू अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है साइन चेंज हो, दो वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? साइन चेंज हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, ठीक है, तो साइन भी चेंज हो सकता है। ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में ही साइन चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ऐसे चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई क्या होता है, साइन चेंज। अब आगे बात करते हैं अपन, देखिए ये चीजें तो क्लियर हो गई आपको। अब जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं, ठीक है, मैंने बोला 3 प्लस 2 कितना होगा, This is the point. ठीक है, आपको ये नोट नहीं करना है, ये वाली चीजें नोट करनी है, बता दूंगा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, अब मैं बोलू 3 माइनस 2 कितना है 1 है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 2 में से 3 गया, छोटी में से बड़ी, छोटे में से बड़ा नंबर नहीं आता है, ये छोटा है ये बड़ा, तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव, और छोटे में से बड़ा नंबर ले जाता तो कैसा आता, नेगेटिव आता। अब बड़े में से कितना माइनस करो, 3 में से हो गया तो 1 आएगा, 1 माइनस 6, छोटे में से बड़ा नहीं जाएगा, 1 माइनस 6 का मतलब क्या, छोटे में से तो नेगेटिव साइन आएगा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत प्रॉब्लम करने वाली है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कैसे कर पाते हो, तो 1 में से 6 गया, छोटे में से बड़ी गई तो नेगेटिव आएगा, अब बड़ी वैल्यू क्या है 6 है, छोटी वैल्यू क्या है 1 है, माइनस का क्या आ रहा है 5 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 4, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए माइनस का 3 प्लस का 4, प्लस के नंबर को पहले लिखो, प्लस का नंबर क्या है 4 है, माइनस का नंबर क्या है 3, प्लस के नंबर को पहले माइनस करो, करने को तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप बहुत विद्वान हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि गलती ना हो, पॉजिटिव नंबर को पहले नेगेटिव नंबर को पहले, 4 में से 3 या कितना बचेगा, माइनस वन प्लस का टू, पॉजिटिव नंबर को पहले लिखो नेगेटिव नंबर को बाद में, तुम में से वन गया कितना बचेगा, वन बचेगा, सिंपल काम हो गया। माइनस का 5 प्लस का 3, पॉजिटिव नंबर को पहले लिखो नेगेटिव नंबर को बाद में लिखो, 3 में से 5 गया, सर नेगेटिव नंबर को एक छोटे में से बड़ा नहीं जाता है, तो माइनस का 2 आया। ठीक है सर, ऑडियो बंद करवा दीजिए, ये बातें क्लियर हो गई होगी आपके सबके। अच्छा अब देखिए, मैं ऐसे बोलूं कि ऐसे जीरो में से सिक्स गया, छोटे में से बड़ा नहीं जाएगा, माइनस आया और माइनस का सिक्स आया, सिक्स में से जीरो गया, माइनस टू माइनस थ्री, बताइए क्या वैल्यू होगी, माइनस टू माइनस थ्री क्या वैल्यू होगी, इसकी सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या है, माइनस का 5, रूपल खंडेलवाल विराज साहू माइनस का 5, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं प्लस का 5 कर देते हैं या फिर प्लस का 6 करते हैं, ऐसा नहीं होगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे सिंपल सॉल्व कर रहा है, तो दोनों नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही आएगा, अब दोनों को ऐड कर दो, 2 + 3 कितना हो गया 5, माइनस का 6 माइनस का 7
आंसर क्या होगा? माइनस का नाटी होगा, कितना होगा? माइनस का नाटी, क्योंकि दोनों नेगेटिव होने के बाद माइनस का सेवन प्लस का वन माइनस का सिक्स, बताइए क्या मिलेगा? नाइन 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 ना, बताता हूँ प्लस की वैल्यू कौन सी है, इवन नंबर और बाकी दो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, प्लस के नंबर को अलग ले लिया और माइनस के नंबर को अलग ले लिया, ये माइनस का नाटक इस वाले को इस वाले को अलग कर दिया, सात और छह कितना हो गया, ये और नेगेटिव नंबर को अलग सॉल्व कर लिया, पॉजिटिव को अलग ले लिया, वन में से कट मिल जाएगा तो माइनस आया, ये पूरा ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही बात है, माइनस का स्क्वायर आया। अब एक ही बात क्या आ गया, माइनस टू प्लस का थ्री माइनस का सिक्स प्लस का फोर, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आंसर आएगा इसका, सिद्धार्थ सतीश माइनस का थ्री विल बी राइट आंसर, ओके ओके बिल्कुल सही है, कैसे पॉजिटिव नंबर कौन-कौन से हैं, पॉजिटिव नंबर 3 और 4, दिस इज द पॉजिटिव नंबर, दिस इज द पॉजिटिव नंबर, 3 4 कितना होगा 7 होगा, 2 4 6 नहीं चलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, और बता क्या पूछना है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आगे चलो, काफी टाइम हो गया क्लास स्टार्ट है, 20 मिनट हो गई है, अरे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगता है स्क्रीन शॉट ले लो एक बार, ये तो और मैं ना अभी यहां पे पढ़ रही हूं, मैं शेयर कर रही हूं, ये क्या ना मैं आ गया, डन ओके, समझ में नहीं आया ना, ये जो स्क्रीन शॉट है इसका काम कर रहा है, ये स्क्रीन शॉट है ये काम कर रहा है ना, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव पर आया, पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट फॉर पॉजिटिव साइन, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये टू है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे क्या साइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, माइनस टू टू वन जाके कितना होगा, फोर हो गया, माइनस टू इंटू टू कितना होगा, माइनस फोर, अगर यहाँ पे डबल डबल नहीं यहाँ पे तो ये के लिए उसके आगे तो यहाँ पे माइनस जोड़ते ऑडियो की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा मोनिका राम बाबू बेटा अपना ऑडियो बंद करें आप, सर मैं अपना ऑडियो को आप देखिए ये चीजें हो गई, तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेटिव नेगेटिव यानी माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, चार और तीन से बारह, बारह दो से चौबीस, अब देखिए क्वेश्चन है टू माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस टू, देखिए
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन बीच में इसका साइन मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज होता है, जब मल्टीप्लाई होता है क्या होगा साइन चेंज होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, 2 3 कितना होगा 6। अब यहां आ जाओ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन चेंज, नेगेटिव इसको क्या करना है नेगेटिव कर देना, अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, अब सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा क्या वैल्यू होगी इसकी, प्लस का 36 होगी प्लस का 12 होगा या माइनस का 12 होगा, वेरी गुड विराज साहू बिल्कुल सही है, माइनस का 12 वैल्यू आएगी, ठीक है माइनस का 12 होगा, वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ अब आपको मैं 5-7 क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको सोल्व करेंगे, अभी आंसर बताएंगे मेरे को, ठीक है आप अपनी कॉपी में सोल्व करेंगे उनको। क्वेश्चन सीख रहा हूं, नंबर 1 नंबर 2 आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप लोग इनको नोट कर लें और इनको सोल्व करें, आपको भी मैं सोल्व करने इनको, आप 5 मिनट का टाइम है आपके पास। इनको सोल्व करने सबको आप बराबर कॉपी के अंदर जिसका हो जाए वो डन बोल देगा, डन भाई मेरा हो गया। सिद्धार्थ यादव वेरी गुड, रूपल वेरी गुड, सारे हो गए हैं, सारे होने चाहिए ना, ओके ठीक है सॉल्व कर लिया सबको। हाँ तो बताइए फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर बताइए, -2 बिल्कुल सही है। देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई में साइन चेंज होता है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 2 को 1 से 2, 2 को 1 से 2, नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस। अब यहां आ जाइए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 6 24 आया हमारा आंसर। आइए
फोर को जीरो से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते जीरो आता है, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते कितना आता है, जीरो आता है। देखो ये जीरो, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करें नेगेटिव का सारा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या आएगा नेगेटिव आएगा। सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करो 18, अब जीरो में से 18 नहीं जाएगा, जीरो में से 18 नहीं जाएगा, क्या आएगा नेगेटिव का सारा आएगा, ठीक है, जीरो में से 18 नहीं जाएगा, नेगेटिव का सारा आएगा, 18 में से जीरो में 18। इसका क्या आंसर है फोर्थ नंबर वाले का, -6 बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इसमें, जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी ही साइन चेंज होता है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वैल्यू आएगी -5, 2 2 2 2 क्या हो जाएगा, सब में नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आएगा। अब देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या आएगा, साइन चेंज होगा, माइनस आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 आएगा और एक प्लस का 6, प्लस के 6 को पहले लिख दो माइनस के 6 को बाद में लिख दो, 6 से 6 कट गया, वैल्यू कितनी आएगी 0 आ गई, वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाइए, ये माइनस का मान है, ये माइनस का मान है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस का 4 आएगा, अंतर आएगा माइनस का 5। गलत कर दिया, 2 4 नहीं आएगा, ये कैसे आएगा 2 4, ये माइनस का मान है और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया नेगेटिव आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया, माइनस 1 और माइनस 4 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं माइनस का 5 आएगा। अब यहां आ जाओ देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, और 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं है, 6 पॉजिटिव है ये 6 आ गया, नेगेटिव का 6 है ये नेगेटिव 6, पॉजिटिव वाले को पहले और नेगेटिव वाले को बाद में, 6 में 6 किया वैल्यू कितनी है 0 वाली, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखो नेगेटिव को बाद में लिखो, 1 में से 7 का माइनस का 6 आएगा, इस 0 से मतलब नहीं है, पॉजिटिव को पहले लिखो नेगेटिव को बाद में माइनस का 5 आएगा, 1 में से 8 नहीं जाएगा माइनस का 7 आएगा, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके सारे सही है, ईमानदारी से बताना बेटा, जिसके सारे सही हो डन लिख दो, ऑप्शन मेरे सही हो, जिसके 5 सही है वो 5 लिख देगा, जिसके 6 सही है 6 लिख देगा, डन मान सुपारी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी अब आ जाइए आप लोग, ये चीजें तो होंगी बेसिक चीजें, ठीक है, अब और बेसिक बताना चाह रहा था मैं आपको, कुछ चीजें और हैं, जैसे मान लो x प्लस एक्स वैल्यू कितनी होगी 2x, कितनी होगी 2x, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया 2x प्लस एक्स कितनी वैल्यू होगी, ऐसे मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया 2x माइनस एक्स कितना होगा x, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया x माइनस 2x कितना होगा माइनस x, x में x ऐड हो गया ये भी ऐड हो गया ये माइनस हो गया, ये छोटे में से बड़ा नहीं आया नेगेटिव आया, 2x में से x किया तो x बचेगा, अगला माइनस का 3x माइनस का 2x बताइए क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू, अगर ये चीजें नहीं आएगी तो मैं फैक्टर करना नहीं सिखा सकता, गुणनखंड करना नहीं सिखा सकता, क्या वैल्यू आएगी इसकी माइनस का 5x और वेरी गुड बहुत बढ़िया, माइनस का 5x ही आएगा, कितना आएगा माइनस का 5x, अब बताना माइनस का 7x प्लस का 3x क्या बताइए वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 4x आएगा, छोटे में से बड़ा पहले पॉजिटिव वैल्यू को फिर नेगेटिव वैल्यू को, 3x में से छोटे में से बड़ा नहीं आएगा नेगेटिव का साइन आएगा माइनस का 4x आएगा, बताइए क्या वैल्यू आएगी, माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस एक्स क्या आएगा वैल्यू, माइनस का 2x बिल्कुल सही बात है, कितनी वैल्यू आएगी माइनस का 2x आएगा, ठीक है,
ये तो बात हुई कि सिंपल आपने ऐड किया है, अगर मल्टीप्लाई की बात करेंगे इसकी बात करेंगे मल्टीप्लाई। अब एक चीज और है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बताइए क्या है इसकी क्या वैल्यू होगी? टू एक्स स्क्वायर। गलत, टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब नहीं आएगा। वेरी गुड विराट साउंड, बिल्कुल सही है, ये का ये रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा प्लस कर रहा है, ये सोल्व नहीं हो सकता। इसकी पावर टू है, इसकी पावर वन है, इसकी घात दो है, इसकी घात एक है, इसकी घात एक है, इसकी घात दो है, इसकी पावर टू है, इसकी पावर वन है, तो ऐड नहीं हो सकता ये। तो क्या कहेंगे इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो ऐसा कैसा लिख दो, या फिर एक काम कर सकते हैं इसमें एक्स कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पावर टू है, यहाँ पावर है, इन दोनों में एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे दो बार एक्स आ रहा है, एक्स को लो दो बार एक्स आ रहा है, एक एक्स को आ गया है, एक एक्स बच गया है, फिर बीच में प्लस का साइन है, ये एक्स बाहर को बनाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे डर बचेगा। इसका आंसर ये हो सकता है या फिर ये का ये, ठीक है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, जैसे ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या कॉमन आया है इसमें? एक्स स्क्वायर कॉमन आया है, ध्यान रखिए प्लस कर रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या रहेगा यहाँ पे, या तो ऐसा का ऐसा रहने दो या फिर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे तो वन बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, या आपका हो गया वन प्लस एक्स, ठीक है। एक और देखो ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर, बताइए क्या लेने वाली है, देखिए या तो इसको ऐसा कैसे रख सकते हैं, या तो इसको ऐसा कैसे, दूसरा तरीका हो रहा है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, अरे चार का फोर का मतलब दो का स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई है, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यस और नो, एक बार कमेंट कीजिएगा ये आइडेंटिटी लगी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा इसका आंसर, आएगा एक्स प्लस टू और क्या आएगा एक्स माइनस टू आ जाएगा। ये भी कॉपी में करना है, क्या करना है कॉपी में करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फाइल कॉपी में करना है उसके आगे ही, फॉर्मूलों के आगे ही स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। वेरी गुड, अब आगे चलते हैं, आप देखिए अब आगे बात मल्टीप्लाई की बात करें, जैसे मान लो ऐसे आ गए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है बेस सब सेम होता है, आधार जब समान होता है घात जुड़ जाती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे बेस देखिए जैसे मान लो ऐसे आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेस, बेस यानी कि आधार, क्या बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं पावर, मतलब क्या बोलते हैं धात, तो यहाँ पे बेस सेम है, इसका बेस सेम है
और इसका भी बेस सेम है तो ये ऊपर वाली ऐड हो जाएगी, कहां ऐड हो जाएगी, 1 plus 2 कितना होगा 3। लेकिन जब मैं ऐसे करता x plus x square, अब की बार में प्लस कर रहा हूं, प्लस में कुछ नहीं होता, ऐड नहीं होती पावर। देखो आप यहां पे पावर ऐड नहीं किया, अपन ने सॉल्व किया इसको, ठीक है, ऐड यहां पे सिंपल ऐड किया है। देखो यहां पे प्लस कर दो, यहां पे ऐसे सिंपल लिखा, लेकिन इसमें बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं। ऐसे मान लो ऐसे आ गया x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, अब की बार बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ऐसे मान लो ये आ गया x की पावर 4 इनटू x की पावर 3, बेस सेम है पावर को ऐड कर दो, x की पावर 7 आ गया। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया x की पावर 2 और यहां पे आ गया x की पावर -2, ठीक है, या मान लो -3 आ गया, अब की बार भी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस का, तो 2 में क्या ऐड करेंगे, इस 2 में क्या ऐड करेंगे, -3, कितना हो जाएगा ये x, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, आपको पता है ये माइनस है, इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, 2 में से 3 नहीं जाता, 2 में से 3 जाएगा, x की पावर माइनस कर दो। आपको पता है जब ऊपर में पावर नेगेटिव होती है तो अपन इसको नीचे लेके जाते हैं ना तो पावर पॉजिटिव बन जाती है। अगर ऊपर पावर, देखिए यहां में ऐसा था, इसके नीचे में 1 लगा सकते हो, किसी भी नंबर या किसी भी संख्या के नीचे आप क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, और x की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन x ही होता है। ये बातें समझ में आ गई होगी सबके बढ़िया तरीके से। हाँ अब देखिए, जैसे मान लो ऐसे आ गया 3x into 4x स्क्वायर, बताइए क्या आंसर होगा, 3x into 4x स्क्वायर, 3x into 4x स्क्वायर, इसका क्या आंसर होगा, (12x³)। बिल्कुल सही बात है। इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12, और ये x है, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर आ गया, ये x है, ये x स्क्वायर है, ये x है x स्क्वायर, x आपको पता है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, अरे गुणे में घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, x की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 12x³, ठीक है। हाँ जी, ऐसे मान लो आपके पास ये आ गया, इसका बताना क्या आंसर आएगा, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर क्या आएगा इसका। माइनस का 4x² 2x² गलत है सारा, रूपल खंडेलवाल का सही है कि कैसे, ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो नेगेटिव आता है, यानी कि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, 2 को 2 से गुणा करो मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x कितना हो गया, अरे मल्टीप्लाई करो इसको कितना आएगा, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो x स्क्वायर आएगा, आंसर आएगा माइनस का 4x², ठीक है। ये आपके पास हो गए हैं, तो ध्यान रखिए आप लोग कॉपी के अंदर ये चीज भी लिखनी है, ठीक है। हाँ मैं आज एक बात बोल रहा था, मैंने आज ये चीज इसलिए पढ़ाई है क्योंकि मैं कल 2.2 स्टार्ट करूंगा, क्या करूंगा, 2.2 स्टार्ट करूंगा, तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले आप, ताकि कल अपन 2.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट लो, यहां तक कॉपी में काम करना है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम आउट हो गया है। आप लोग जितना हो सके लाइव क्लास लिया करो, लाइव क्लास से ही मैथमेटिक्स समझ में आएंगे। मैंने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है,
हर सेक्शन की, 10th इंग्लिश मीडियम, 10th हिंदी मीडियम, 12th इंग्लिश मीडियम, 12th हिंदी मीडियम, तो आपको अपने वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। लाइव क्लास लो तो आप ईयरफोन लगाते हुए लाइव क्लास लिया करो ताकि वॉइस सही आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।